तो हम लोग अभी अभ्यास एक के स्टेप 5 पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभ्यास एक में देखें तो हम मैं द्वारा मैं को देखना, यानी स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और अच्छी बात है, सारी चीजें चर्चा में निकल कर आ रही है, क्योंकि जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो जो भी हमारे अंदर भाव विचार बना हुआ है वो सब उभर उभर के सामने आते हैं, और उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। और ये अच्छी बात है कि इस तरह से हम एक एक इशू को ओपन अप करके एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो अभ्यास एक के स्टेप 1 पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, और उसमें मुख्य रूप से भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। स्टेप 2 पे हमने मूल्यांकन करने का प्रयास किया। स्टेप 1 पे हम लोग इसको बिल्कुल नहीं किए कि न मूल्यांकन करना है, न प्रतिक्रिया करनी है, न रोकना है, न बदलना है, बस भाव को जैसा वैसा देखना है। स्टेप 2 पे मूल्यांकन शुरू किया, और वहां पे देखना शुरू किया कि ये भाव हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप 3 पे हमने देखना शुरू किया कि इसके साथ मेरी जो स्थिति है वो सुखद है या नहीं। स्टेप 4 पे हमने देखा कि जो भी भाव है उसका निर्णय है ना, मैं हूँ या बाहर का कोई व्यक्ति या कोई कुछ, और उसमें फिर निष्कर्ष निकलता है कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ ना। उससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये कि मुझे दिखता है कि मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है यदि मेरी स्थिति सुखद नहीं है, सहज नहीं है, और दूसरा कि मैं शिकायत मुक्त होता जाता हूँ अपने संबंधों में दूसरे व्यक्तियों के प्रति। क्योंकि हमको दिखता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हूँ, अगर मैं दुखी हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो मेरा निर्णय था, भाव का निर्णय मेरा था। तो इससे हमारे अंदर एक और निष्ठा बनती है कि मुझे ठीक से गंभीरता पूर्वक अपने ऊपर काम करना है। तो निर्णय के आधार को देखने जाते हैं तो दिखता है कि स्टेप 5 पे जो हम काम कर रहे हैं कि उसका आधार सही समझ भी हो सकती है, कोई मान्यता भी हो सकती है। यदि मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय करता हूँ जो सहज रूप से स्वीकार होते हैं, जिससे आराम में संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, यह निश्चित नहीं रहता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा, जो भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार होते हैं उनके पक्ष में या किसी अन्य पक्ष में, तो मैं आराम में रहूंगा या परेशान होऊंगा, यह निश्चित नहीं रहता। तो इसका सही समझ का होना और समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना मेरे लिए आवश्यक है। इस बात को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो निर्णय का आधार, उदाहरण के रूप में देखें तो मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भाव रहता है उसके बारे में सोचें। यदि मुझ में मानव मानव संबंध की सही समझ है, यदि मैंने मानव को समझा है, मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में समझा है, दूसरे को भी मानव के रूप में समझा है, तो मुझ में हर व्यक्ति के लिए संबंध का भाव रहता है, और यही भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है। इस भाव के साथ मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो सहज रूप से स्वीकार होते हैं, जिससे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो ये बात अपने आप में ऑब्जर्व करने की है कि यदि मैं अपने आप में आराम में नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने जो अपने भाव विचार का निर्णय लिया है उसके आधार में कोई ऐसी मान्यता है जिसमें समझ का अभाव है। तो यदि मुझ में मानव मानव संबंध के बारे में सही समझ नहीं है, यदि मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में नहीं समझा है, दूसरे को मानव के रूप में नहीं समझा है, मैं अपने बारे में और दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ मान्यता बना लेता हूँ और मेरे भाव भी मान्यताओं पर ही निर्भर करते हैं। तो यदि मैं मानता हूँ कि मानव का मूल्यांकन उसके संप्रदाय या वर्ग के आधार पर करना है, तो मुझ में अपने संप्रदाय या वर्ग के लोगों के प्रति संबंध का भाव रहता है, एक सहज भाव जिससे मैं सुखी रहता हूँ, और दूसरे संप्रदाय वर्ग के प्रति विरोध का भाव रहता है जिससे मैं दुखी रहता हूँ। तो जब मैं अपने भाव विचार का निर्णय अपनी मान्यता के आधार पर करता हूँ, तो यह निश्चित नहीं हो पाता है कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय करूंगा, वैसे भाव जो मुझे सहज स्वीकार है या अन्यथा। तो मेरी स्थिति क्या होगी है ना, इसकी निश्चितता नहीं होती। मैं आराम में रहूंगा या परेशान होऊंगा, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में, सुखी रहूंगा या दुखी, ये निश्चित नहीं हो पाता। तो हम ये भी कर सकते हैं कि
कल हमने जो निर्णय लिए दिन भर में, वो निर्णय सही समझ के आधार पर लिए या किसी मान्यता के आधार पर, उसको ऑब्जर्व करें। उस निर्णय को लेते हुए मेरा भाव उस समय कैसा था, मैं आराम में था या परेशान था, वो भी किया है। लेकिन उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे भोजन से संबंधित बात करते हैं तो पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे खाना या क्या चुनना क्या नहीं चुनना शरीर के हिसाब से, और रात्रि भोजन नहीं करना लेट में, 8 बजे बाद 9 बजे 10 बजे तक 11 बजे तक लोग खाना खाते रहते हैं, और अगर मैं खाता भी हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। लेकिन एक तरह से ये मान्यताएं बन गई हैं। ऐसा मुझे कई बार कमेंट्स भी मिलते हैं कि मैं स्वास्थ्य में भी मेरा डिटोरेशन हो रहा है या हुआ है इन सब चीजों को पालन करते हुए भी, तो मैं गहरे में देख नहीं पा रहा हूँ भैया कि ये सब मान्यता पे आधारित है या राइट अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। जैसे जो स्वास्थ्य को लेकर हम कार्यक्रम बनाते हैं तो है ना, आपने ऑफकोर्स का ध्यान रखा होगा, बट उसमें इन जनरल मैं एक रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो उसमें एक मूल बात तो ये समझना है कि स्वस्थ क्यों रहना है, ठीक, इस पे हमको क्लैरिटी है कि नहीं। तो एक बात हमको स्पष्ट हो जाए कि स्वस्थ क्यों रहना है, शरीर का ध्यान क्यों रखना है। तो जब तक हमको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता कि शरीर मेरा साधन है, और किस बात के लिए साधन है, साध्य क्या है, तो सही समझ सही भाव, तब तक शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम जो कुछ भी कार्यक्रम बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है, अगर ये पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है इन जनरल अगर देखें तो लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए हित की दृष्टि के साथ बहुत सारे योजना कार्यक्रम बनाते हैं, है ना, ये खाना पीना है, वो नहीं खाना पीना है, या फिर सुबह उठना है और ये करना है, फिर एक्सरसाइज करना है, सो ऑन। बट चूंकि सेल्फ में राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए काम नहीं हो रहा, राइट फीलिंग के लिए काम नहीं हो रहा, तो होता क्या है कि संवेदना से सुख पाने के लिए फिर उसको कई बार हम वायलेट भी कर देते हैं। ऐसा कई बार देखने में आएगा कि लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, और फिर बट कोई ऐसा अवसर आया जहाँ पे स्वादिष्ट भोजन है तो ओवर ईटिंग भी कर लिया, और फिर उसका पछतावा हुआ, फिर अगले दिन और फिर डाइटिंग शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। तो उसमें भाव चूंकि स्पष्ट नहीं रहता कि शरीर मेरा साधन है, ये भाव स्पष्ट नहीं रहता कि निरंतर सुख का स्रोत संवेदना नहीं हो सकती, दूसरे से मिलने वाला भाव नहीं हो सकता, तो हम शरीर को बिगाड़ भी लेते हैं। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये रहता है। आपके प्रश्न को लें तो कई बार ये होता है कि हम स्वास्थ्य के लिए कई मेजर्स अपनाते हैं, हो सकता है वो कई सारे मेजर्स जो हैं वो प्रॉपरली स्टडी नहीं किए गए हैं, तो उसको अपनाने में हमसे चूक हो जाती है। तो होता है कि जो व्यक्ति जिस दिशा में काम कर रहा होता है और जो उसकी सफलता मिली होती है कुछ लोगों के साथ, उसको जनरलाइज ढंग से हम रखना शुरू कर देते हैं। तो शरीर को देखें तो जड़ वस्तु है, भौतिक रासायनिक वस्तु है, और शरीर की रचना अलग अलग प्रकार से होती है, कई तरह की प्रकृतियां होती हैं शरीर की, किसी की वात, किसी पित्त, किसी कफ, ठीक है ना, और वायु के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से शरीर की बनावट हो जाती है। तो एक ही तरह की विधि हर एक के लिए अप्लीकेबल हो ये होता नहीं है। जड़ वस्तुओं के साथ आप पाएंगे ये सार्वभौमिकता नहीं है ना, कि जो विधि एक एरिया के शरीर के लिए काम करे वही दूसरे एरिया के शरीर के लिए काम करे। तो कई बार हम जब इन उपायों को लेके चलते हैं तो सकता है कि उसका हमने पूरा तरह से अध्ययन नहीं किया और वो हमारे शरीर के लिए हो सकता है उतना अप्लीकेबल ही ना हो। थोड़ा ये भी कई बार देखने में आता है कि जिसको जो विधि ठीक लग जाती है वो प्रिय हो जाती है और उसको फिर हम एक अति तक लेके चले जाते हैं। तो किसी को लगता है कि एक पर्टिकुलर सब्जी को खाने से शरीर ठीक होता है तो उसी पर पूरा ध्यान टिका दिया, किसी को लगता है एक फल को खाने से शरीर ठीक होता है तो उसी पूरा ध्यान टिका दिया, किसी को लगता है कि शरीर के ऐसे रख रखाव से शरीर ठीक रहता है उसी पूरा ध्यान टिका दिया, और उस समय हम शरीर की आवश्यकता कई बार ठीक से पहचान नहीं पाते। कई बार लगता है कि फास्टिंग से शरीर ठीक होता है तो इतना ज्यादा फास्टिंग कर दिया कि शरीर को जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में दिक्कत आ गई, तो ये सारी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जी भैया, लेकिन जैसे भैया कुछ चीजें तो यूनिवर्सली मान्य होती है कि रात्रि भोजन आपको नुकसान करेगा, लेट में जो भोजन कर रहे हैं, तो अंदर एक मान्यता बन गई है, और वो उस समय ऐसा अंदर जब ले भी रहे होते तो अंतर्द्वंद चलता है, तो द्वंद की स्थिति में रहते हैं, जबकि जिसको ये समझ नहीं है कि रात्रि भोजन करना नुकसानदायक नहीं है तो उनको कोई द्वंद ही नहीं चलता, वो आराम से उसको ले रहे होते, स्वास्थ्य पे भी कोई प्रतिकूल असर नजर नहीं आ रहा होता।
एक अच्छा आपने उदाहरण रखा, अब इसको यहाँ रुक जाते हैं। अब अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जाएंगे तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे कि रात्रि भोजन नुकसान करता है, हम पूछेंगे अपने आप से क्यों नुकसान करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन लेने का एक नुकसान हो सकता है ना, कि खाने के तुरंत बाद सो गए, ठीक है। बट यदि हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है और सो गए, तो उसका भी तो नुकसान है। तो ये दो नुकसान में कौन बड़ा है, ये डिसाइड करेगा कि रात को भोजन लेना है कि नहीं लेना है। ये इसको जनरलाइज करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इतने व्यस्त रहे दिन में कि कुछ खाए ही नहीं, शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, ठीक, और चूंकि रात ही हो गया था तो हमने भोजन भी छोड़ दिया, अब हम भूखे पेट सो गए, तो उसका भी तो नुकसान है। तो हमने ये तो मान लिया कि रात को भोजन करने से शरीर को नुकसान होता है, बट नहीं भोजन करने पे क्या होता है, इसको हमने स्टडी नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, रात को भोजन करने से नुकसान क्यों होता है, कब होता है, किस प्रकार होता है, उसको भी हमने स्टडी नहीं किया। क्या भोजन लेने से नुकसान होता है, क्या भोजन लेने से नुकसान नहीं होता है, इसको भी स्टडी नहीं किया। भोजन लेने से के तुरंत बाद सो जाने से नुकसान होता है, या भोजन लेने के बाद भी अगर हम 4-6 घंटे काम कर रहे हैं तो भी नुकसान होता है, इसको भी हमने स्टडी नहीं किया। तो हुआ क्या कि हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत लिमिटेड है। तो जो मात्रात्मक चीजें हैं उसको मात्रात्मक रूप से पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, या अगर मात्रात्मक अध्ययन ना करें और सिंपली मान ले तो फिर हमारा स्टडी इनकम्प्लीट रह जाता है और फिर वो मान्यता बन जाती है। तो मैं जैसे अब रात्रि भोजन करता हूँ तो मुझे द्वंद चलता है अंदर, तो ये मान्यता के आधार पर है कि ये राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर? देखिए अभी क्या हुआ, अभी रात्रि भोजन हमारे पूरे संयम कार्यक्रम का, तो अगर पूरे संयम कार्यक्रम को देखें तो वहां पे निकलता है आहार विहार, है ना, श्रम व्यायाम आसन प्राणायाम औषधि चिकित्सा, ऐसा कार्यक्रम निकलता है। अब क्या हुआ, अभी हम आहार पे तो बात कर रहे हैं, उसका हमारा विहार बाधित है तो हम श्रम बाधित है, श्रम कर ही नहीं रहे। तो हम पूरा टोटलिटी में देखेंगे तो हम भोजन का चयन ठीक से कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी रात्रि का भोजन लेने से अगर नुकसान हो रहा है तो ना करें, बट यदि रात्रि को भोजन नहीं कर रहे हैं तो आहार किस प्रकार लेना है, विहार कैसे करना है, श्रम कितना करना है, उसको भी तो देखेंगे, या सिर्फ एक भाग को देखेंगे। अगर सिर्फ एक भाग को देखेंगे तो ये ठीक है कि उसका जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा, बट जो उपकार हो सकता था, है ना, बाकी चीजों का, वो भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है शरीर और सफर करेगा। तो हम संयम के पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। अभी क्या हुआ है, विहार है ना काफी घट गया है, जैसे चलना फिरना और उठना बैठना है ना, ज्यादातर समय हम चेयर पे बैठते हैं, हमारे घुटने तक नहीं मुड़ते हैं, ठीक, घर में पोछा लगाते हैं, चक्की चलाते, तो हमारे शरीर का कुछ श्रम अपने आप होता वो भी नहीं हो पा रहा है, श्रम वाला भाग रुक गया है, तो श्रम कम हो गया, विहार कम हो गया, ठीक, और खाली हम आहार के नियम का पालन करें, तो वो जो नियम बनाया गया वो हो सकता है संपूर्णता में बनाया गया, हम एक छोटे से भाग में उसको ध्यान दे रहे हैं। तो रात्रि को भोजन नहीं करना है तो ठीक है, तो क्या करना है, कब करना है ना, और सिर्फ भोजन ही मुद्दा नहीं है, सिर्फ आहार ही मुद्दा नहीं है, विहार कितना करना है, श्रम कितना करना है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। हमारे शरीर से दिन भर में पसीना निकलता है कि नहीं निकलता, वो सब ठीक है, श्रम पर कितना, जो जनरलाइज चीजें हैं उसके खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो द्वंद चलता है, तो ये मान्यता ही हुई भैया? हाँ, हमने उन चीजों को मान लिया, उसको संपूर्णता में नहीं समझा। द्वंद का मतलब यही है कि उसका एक भाग ठीक लगता है, दूसरा भाग ठीक नहीं लगता। इसमें मैंने कहा ना कि रात्रि भोजन न ले तो क्या करें, अगर ये स्पष्ट नहीं है तो रात्रि भोजन लेने जाएंगे तो भी द्वंद होगा कि ले रहे हैं, देखो आयुर्वेद कहता है कि नहीं लेना चाहिए, छोड़ दिया तो भी द्वंद होगा कि देखो नींद अच्छी नहीं आ रही, वीकनेस फील हो रही है। जी भैया, ये जो ऊपर लिखी है लाइन कि यदि मुझ में मानव मानव का संबंध के बारे में सही समझ नहीं, तो मतलब इसी से भाव मान्यताओं पर है तो भाव बिगड़ जाते हैं। और ये ऊपर का जो लाइन है ना, ये मुझे ट्रिक नहीं हो रही है कि मानव को मानव समझना है कि चैतन्य के रूप में देखना है चैतन्य कि है शरीर के। जड़ भी है, तो मानव को देखें तो चैतन्य और जड़ का सह अस्तित्व है, मैं और शरीर है, इन दोनों के जी सह अस्तित्व के रूप में है। जी 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 यदि हम चैतन्य के रूप में देखते हैं
मानव को मानव के रूप में ना देखकर चैतन्य के रूप में देखते हैं तब तो भाव सहज रहते हैं, परंतु उसको एक जड़ के रूप में देखने लगते हैं और उसके कार्य व्यवहार को देखते हैं। कई बार कुछ लोग सिर्फ विरोध करना है या उल्टे चाल चलन ही चलना है ये करते ही हैं, चाहे मतलब तो उनको देख के, फिर यदि हम उनको चैतन्य के रूप में देखते हैं तब तो सहज रहते हैं कि चलो इसमें समझ नहीं है और ये भी एक वही चैतन्य है जो मैं हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन उसको यदि हम मानव के रूप में देखने लगते हैं उसके व्यवहार, तो फिर वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। भैया मानव भी जी है तो चैतन्य जड़ का संस्कृति के मानव को देखेंगे तो इंटेंशन नहीं दिखाई देगा, चैतन्य को देखेंगे इंटेंशन दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मानव जी के रूप में देखें या चैतन्य इकाई के रूप में देखें, हमको दिखता है कि हर चैतन्य इकाई का, हर मानव की चाहना ठीक है, योग्यता में कमी है। तो योग्यता की कमी कैसे दूर करें, उस पर काम करेंगे। अगर यो योग्यता की कमी मुझ में है तो अपने ऊपर भी काम करेंगे, यही तो काम कर रहे हैं। स्टेप फाइव जी में दिखता जी है कि बिल्कुल यदि मैं दुखी हो रहा हूँ दूसरे के व्यवहार से, तो अल्टीमेटली दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और इसलिए जिम्मेदार हूँ जी क्योंकि मेरे भाव का निर्णय मान्यता के आधार पर हुआ, हमने कहीं उसके इंटेंशन पर डाउट कर लिया। अच्छा, उसके व्यवहार पे जो वो व्यवहार कर रहा है उस पे डाउट कर लिया, योग्यता को जी, नहीं देखा। जी, योग्यता को देखा ना और उसका सही आकलन नहीं किया, और इंटेंशन को नहीं हाँ देखा, जी, चाहने को नहीं देखा, सिर्फ हाँ योग्यता हाँ वाले भाग को देखा, उसमें भी जो अयोग्यता है उसको देखा, जो योग्यता पहले से वो नहीं देखा, और उसके आगे जाए तो अयोग्यता को कैसे दूर करेंगे ये नहीं देखा, खाली अयोग्यता के प्रति रिएक्टिव हो गए, तो ये सब झंझट होगा। जी जी भैया, जी कल एक्चुअल में हम लोग पिकनिक गए, स्कूल पिकनिक, तो ये भाव वहीं से आया, थोड़ा सा भाव इतना मतलब मूड अच्छा था, सभी लोग अच्छे एंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ पार्टी प्रोग्राम था और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन एक मैडम जो थी उनका भाव बिल्कुल ऐसा था मेरे प्रति, पता नहीं क्यों, जबकि बात भी होती थी, संबंध भी अच्छे थे, अचानक से मतलब मेरा कुछ भी मैं कर रही हूँ मेरी बात काटना, मुझे कमेंट करना, तो मैंने कुछ नहीं कहा करा, लेकिन मैं भी असहज महसूस कर रही थी खुद को। हाँ, तो ये चीजें हो जाती हैं कई बार जीते हुए, जैसे काफी कंट्रोल और काफी सहज सहजत और संबंध पूर्वक देखते हैं, देखने लगे हैं, पर कहीं कहीं ये हो जाता है मिस जीने में। जी ये देखिए, भैया उसमें क्या होता है ना, जब इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका भी निर्णय किस प्रकार लिया गया वो देखना पड़ेगा। अगला व्यक्ति हमारे प्रति रिएक्टिव क्यों हुआ, हो सकता है उसको जो प्लेसमेंट मिलना चाहिए तो नहीं मिला इसलिए रिएक्टिव है। तो इन सब चीजों को स्टडी करना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ तो क्यों कर रहा है, कहाँ यह आहत है मेरे पहले व्यवहार से, उस व्यवहार में क्या चूक हुई थी, ये तो सारा काम करना अच्छा, पड़ेगा। ये जी जो जी पहले हमने बिल्कुल बिल्कुल निर्णय लिए, जी हो सकता है उनको कोई जी जिम्मेदारी भैया दी जानी चाहिए थी वो उनको नहीं दे दी गई, हमें दे दी गई है ना, अब उससे वो नाराज हो गए, आहत हो गए, अब उसका रिएक्शन चल रहा है उनके अंदर। इसी चीज को अपने आप में ऑब्जर्व करते रहें, जो भी निर्णय ले रहे हैं उसके आधार में क्या है, सही समझ है या मान्यता है, इसको आज हम लोग दिन भर ऑब्जर्व करें।